नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एडर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जियो फोन में स्टेटस लगा के दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी आपके सामने लाइव जियो फोन में स्टेटस लगा के दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले जियो स्टोर में जाके देखते हैं व्हाट्सएप में क्या अपडेट आया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, व्हाट्सएप में अपडेट आ चुका है। तो इसे मैं सबसे पहले अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें, क्या कुछ नया देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इसे अभी अपडेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपडेट बटन पर क्लिक कर दिया और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या मिला है नया अपडेट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अपडेट हो रहा है। तो फाइनली व्हाट्सअप अपडेट हो चुका है। एरर एग्री करना होगा हमें यहाँ पर। एग्री करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने अपना मोबाइल नंबर पूरी तरह से डाल लिया है। तो अब मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, इंस्टॉलिंग होना शुरू हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखते हैं क्या अपडेट मिलता है नया अपडेट व्हाट्सएप में। फाइनली व्हाट्सएप इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसमें अपना नाम लिख देता हूँ, जैसा कि सामने दिया है। आपको भी यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। तो फाइनली मैंने अपना नाम लिख दिया है। तो मैं इसे फिर से नेक्स्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फाइनली व्हाट्सएप में स्टेटस का अपडेट आ चुका है। काफ़ी सारे चैट्स हैं जिनके मैसेजेस भी आप लोग देख पा रहे होंगे साफ साफ। तो चलिए हम लोग स्टेटस वाले ऑप्शन में जाकर देखते हैं कि क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर फाइनली आ चुका हूँ स्टेटस वाले ऑप्शन में, और मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। प्राइवेसी का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पर माई कॉन्टेक्ट या फिर जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, ओनली शेयर विथ। तो मैं इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसका ट्रायल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सभी को नहीं दिखाना चाहता हूँ अपना स्टेटस। तो मैं एक बंदे को इसमें से सेलेक्ट करूँगा और फिर स्टेटस लगा के दिखाऊँगा आपको कि कैसे काम करता है स्टेटस जियो फोन में। तो मैंने एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं स्टेटस लगाने वाला हूँ। माय स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पिक्चर लगा सकते हैं, टेक्स्ट और वीडियो, यानी हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर लगा के देखता हूँ। कैमरे पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी इसी फ़ोन के कैमरे से पिक्चर क्लिक करके स्टेटस लगाने वाला हूँ। तो फाइनली मैंने पिक्चर क्लिक कर लिया और यहाँ पर कुछ आप कैप्शन का भी ऑप्शन मिलता है। तो कैप्शन दे देते हैं, गुड मॉर्निंग GOOD गुड MORNING। तो ये काफ़ी परेशानी होता है थोड़ा बटन क्लिक करने में, आप लोग को पता ही होगा जियो फोन का बटन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों, मैंने स्टेटस लगा दिया। तो अब मैं आपको क्लिक करके दिखाने वाला हूँ पूरा डिटेल में। यहाँ पर देख सकते हैं किसी ने भी नहीं देखा है और डिलीट कॉपी ऑप्शन मिलता है। तो मैं इस स्टेटस को भी डिलीट करने वाला हूँ, नो व्यू। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और आपको मैं टेक्स्ट करके दिखाता हूँ कि टेक्स्ट कैसे लगाते हैं इस फ़ोन में। स्टेटस में आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट। यहाँ पर भी मैं कुछ लिख लेता हूँ टाइप। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी मैं गुड मॉर्निंग ही लिखने वाला हूँ। कीपैड काम नहीं कर रहा है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कलर भी चेंज कर सकते हैं, अब साइड में कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कलर चेंज करके आप स्टेटस लगा सकते हैं। तीन चार कलर का ऑप्शन मिलता है। तो अब मैं इसमें गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ। गुड मॉर्निंग लिखने के बाद मैं इसे स्टेटस पर लगा के देख रहा हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्टेटस फाइनली मैंने लगा दिया है।
तो फिर से मैं इसको डिलीट कर दी करने वाला था और कर दिया हूँ डिलीट। और चैट में तो ऐसा ही है जैसा पहले था, चैट ऑप्शन, तो चैट में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। और इसमें शायद इमोजी भी आ सकता है कुछ महीनों के बाद, अभी तो इसमें कॉलिंग का सुविधा नहीं मिला है, लेकिन व्हाट्सएप में कॉलिंग का सुविधा दे सकता है जियो फोन। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।